हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिलीशियस कुकिंग पर। आज फिर से एक बड़ली मछली की रेसिपी लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। मेरे चैनल पर पहले से ही बड़ली मछली का रेसिपी है। आज एक अलग तरीका से बनाऊंगी। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसी मज़ेदार वीडियो आप लोगों के पास पहुँचने के लिए। पहले मैंने 2 टमाटो, 3 मीडियम साइज का प्याज, अदरक लहसुन, 3 हरी मिर्च और ब्लैक पेपर लिया है। अब ग्राइंडिंग जार में हरी मिर्च, अदरक लहसुन, ब्लैक पेपर और प्याज को छोटे छोटे पीसेस करके और 1½ चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा पानी ऐड करके सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अब दूसरी ग्राइंडिंग जार में टमाटो को छोटे छोटे पीसेस करके वहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, आज इसी छोटे छोटे बड़ाली मछली की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। पहले से ही मैंने हल्दी, नमक, कश्मीरी पाउडर थोड़ा सा ऐड करके पहले से ही मछली को अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। अब एक कढ़ाई पर सरसों का तेल गरम होने के लिए छोड़ दिया था। जब तेल गरम हो जाए तब करी पत्ता डाल दिया। करी पत्ता जब चटकने लगे तब ग्राइंड किया हुआ ऑनियन को यहाँ पर डाल दिया। अब सभी को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब मिक्स हो जाए तब वहाँ पर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करके फिर से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से ढक्कन लगा दूँगी मसाले अच्छे से पकने के लिए। ढक्कन हटाकर देखा, मसाले 40% पक गया है। अब यहाँ पर जो ग्राइंड किया हुआ टमेटो था वो टमेटो यहाँ पर डाल दूंगी। टमेटो डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। टमेटो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और ढक्कन लगा दूंगी, जो टमेटो का कच्चापन है वो कच्चापन जाने के लिए। अब ढक्कन हटाकर देखा, मसाले अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पर जो हमने बड़ाली मछली रखी थी वो मछली यहाँ पर एक-एक करके डाल दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। और जो नए लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचने के लिए। ढक्कन हटाकर देखा, मछली 20% पक गया है। अब और थोड़ा सा पकने के लिए यहाँ पर एक दो पीसेस को पलटी करके थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ पर ढक्कन लगा दूंगी। ये रेसिपी आप लोग घर पर ज़रूर बनाकर खाइए। ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप लोग जानते ही है बड़ाली मांस कितना स्वादिष्ट होता है खाने के लिए। ढक्कन हटाकर देखा, मछली अच्छे से पक गया है। ये रेसिपी बहुत स्वादिष्ट होता है खाने के लिए। आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स बहुत कम समय में बन जाता है और ये मछली बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए। अब ऊपर से थोड़ा सा करी पत्ता ऐड कर दिया स्वाद और अच्छा आने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अब फाइनली डन, आप गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये रेसिपी बनाइए, खाइए और हाँ, मुझे कमेंट करना मत भूलिए। और इसी तरह हमेशा मुझे प्यार कीजिए और मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।